गाइज, वैसे तो एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड में आपको ऐसे ऐसे फंक्शन मिलते हैं जिससे आपका वर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और उसको अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। तो एमएस वर्ड का ही एक ऐसा फंक्शन है जिसे एंड नोट एंड फुट नोट बोलते हैं। एंड नोट एंड फुट नोट एक ऐसा ऑप्शन है जिसे यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने स्क्रिप्ट को और भी अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल बना सकते हैं। कई जगह पे आपने देखा होगा वर्ड में एंड नोट एंड फुट नोट यूज किया होता है। जिसको तो नॉलेज है उसको पता चल जाता है कि ये एंड नोट एंड फुट नोट यूज किया गया है यहाँ पे। उससे क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है, प्लस मीनिंगफुल हो जाता है। उसमें लगता है कि कोई प्रोफेशनल प्रोफेशनल स्किल यूज की गई है। तो आज उसी के बारे में इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एंड नोट एंड फुट नोट क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं और उसको यूज करने के क्या क्या फायदे होते हैं। वो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में दी गई है। तो वीडियो को समझने के लिए और एंड नोट फुट नोट को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, एंड नोट एंड फुट नोट एमएस वर्ड का काफ़ी स्पेशल फंक्शन होता है जिसको हम कभी कभी यूज करते हैं डॉक्यूमेंट्स में। और इसको यूज करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है और भी काफ़ी प्रोफेशनल लगने लगता है। और उसमें इसके काफ़ी फायदे भी होते हैं कि आप एंड नोट एंड फुट नोट जहाँ पर लगाते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं और मीनिंगफुल होते हैं। तो इसको लगाने के लिए, फिर उसको सीखने के लिए, मैं ओपन करता हूँ एमएस वर्ड अपने कंप्यूटर पर। एमएस वर्ड ओपन होने के बाद एंड नोट एंड फुट नोट लगाने के लिए पहले मैं यहाँ पे कुछ मैटर टाइप कर लेता हूँ। तो मैटर को मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ टाइप करने के बजाय, क्योंकि टाइपिंग में टाइम थोड़ा कंज्यूम होगा। यहाँ पे मैटर टाइप किया और मैंने इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और थोड़ा सा और मैटर यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद अब आपको एंड नोट एंड फुट नोट के बारे में बताऊँगा। एंड नोट एंड फुट नोट का फंक्शन जो होता है वो रेफरेंसेस में होता है। यहाँ पे देखेंगे मेनू में तो आप होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, उसके बाद रेफरेंस का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंड नोट एंड फुट नोट के बारे में ये दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन होता है। यहाँ से आप फुट नोट भी इंसर्ट करते हैं और एंड नोट भी इंसर्ट कर सकते हैं। एंड नोट एंड फुट नोट किसी भी वर्ड की मीनिंग को बताने के लिए या फिर किसी भी पेज को डिस्क्राइब करने के लिए या किसी टॉपिक को और डिटेल में बताने के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कभी बुक्स आप रीड करते होंगे तो कुछ वर्ड जो होते हैं या कुछ टॉपिक जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नीचे लिखा रहता है, पेज के नीचे आपको दिया गया रहता है रेफरेंस के तौर पर। तो उस तरीके से अगर आप सॉफ्ट कॉपी वर्ड में टाइप करते हैं और आपको सॉफ्ट कॉपी बनानी होती है तो वह यहाँ पे एंड नोट एंड फुट नोट का इस्तेमाल होता है उस तरीके से। जैसा कि मैंने यहाँ पे मैटर टाइप किया हुआ है, हेलो डियर, वेलकम इन दिस ट्यूटोरियल। आप इसमें सीखेंगे कि एमएस वर्ड में एंड नोट एंड फुट नोट कैसे लगाते हैं और इसे लगाने के बाद इसका इफ़ेक्ट कैसा होता है। तो इस तरीके से मैंने मैटर टाइप किया हुआ है। अब सपोज़ मैंने यहाँ पर वेलकम वेलकम का थोड़ा वेलकम को थोड़ा डिस्क्राइब करना है अगर मुझे, तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा फुट नोट का। फुट नोट कैसे यूज करते हैं पहले वो जान लेते हैं। फुट नोट यूज करने के लिए आपको सपोज वेलकम है तो यहाँ पे अपना एरो रखना है और जाना है इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करने हैं। जब इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो इसका जो फुट नोट होता है वो पेज के एंड में होता है, जहाँ पर आपका पेज ख़त्म होगा। जैसा कि यहाँ पर ये पेज ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर ये डिस्क्राइब हो जाएगा। तो आपको वेलकम वर्ड के बारे में अगर कुछ डिस्क्राइब करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में, ठीक है। टाइप करने के बाद आप यहाँ पे सीधा आएंगे तो आपने देखा कि यहाँ पे वेलकम पहले लिखा था, अभी यहाँ पे एक वन 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 टाइप हो चुका है। और जैसे भी आप यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे तो आप देखेंगे ये जो हमने फुट नोट इसका दिया हुआ है ये यहाँ पे दिख रहा है। ये वेलकम पे अपना कर्सर रखें और ऊपर देखेंगे तो ये आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में दिख रहा है। तो इस तरीके से ये वेलकम वर्ड का जो मीनिंग निकलता है या फिर जो आप उसमें दिखाना चाहते हैं वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे कर्सर लाने पे दिखेगा, उसके बाद में फिर वो तो यहाँ नीचे परमानेंट दिखता ही है। तो इसे कहते हैं फुटनोट। फुटनोट मींस कोई भी नोट जो है वो फुटर में शो करना, नीचे शो करना पेज के, उसके बारे में। अब सपोज आपको और भी किसी वर्ड में लगाना है आपको फुटनोट, जैसा कि मुझे यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इंसर्ट फुटनोट पे दोबारा करेंगे, और ये सीरियल वाइज चलते हैं, लाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो भी लाइन ऊपर होगी वो फर्स्ट कहलाएगा, उसके नीचे जो अगर आप अगला लगाएंगे तो वो सेकंड होगा। तो सेकंड में मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे हिंदी में लिखा है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ, एंड फुटनोट इतना लिखा और मैं यहाँ पे से हट गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये टू लिख के आ गया है यहाँ पे, और इस पर करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे हिंदी में है, और मैं चाहता था कि यहाँ पे इंग्लिश में भी दिखे ये, तो इस तरीके से इंग्लिश में यहाँ पे शो अप होगा। तो इस तरीके से आप फुटनोट पूरे पेज में किसी भी लाइन में किसी भी वर्ड में लगा सकते हैं आप। और अब आगे सीखते हैं एंड नोट के बारे में। एंड नोट जो होता है वो एक्चुअली आपका पैराग्राफ जहाँ पे फिनिश होता है वहाँ पे शो करता है। जैसा कि फुट नोट आपने देखा कि ये पेज के बॉटम में शो होगा, लेकिन एंड नोट ऐसा नहीं है। वो जैसा कि आपका पेज यहाँ पे है, यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म है, तो यहाँ पे जो है एंड नोट शो करेगा। एंड नोट भी लगा के देख लेते हैं, काम दोनों का सेम है, लेकिन वो पैराग्राफ के नीचे शो करता है और वो फुटर में शो करता है। तो जैसा कि मुझे जो एंड नोट लगाना है वो वीडियो पे लगाना है, वीडियो पे लगाते हैं पहले। यहाँ पे क्लिक करिए और इंसर्ट एंड नोट पे देखिए, यहाँ पे आपका पैराग्राफ ख़त्म हो रहा था पेज का, फिर नीचे यहाँ पे एंड नोट आ गया। एंड नोट में जो भी आपको उसके रेफरेंस में, वीडियो के रेफरेंस में लिखना हो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसा कि दिस वीडियो इज़ वेरी वैल्यूएबल, मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंबल आ चुका है उसी तरीके से, और वीडियो पे जैसा ही आपका कर्सर आएगा यहाँ पे लिख जाएगा ये दिस वीडियो इज़ वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि आपने एंड नोट इसमें अप्लाई किया हुआ है। और नीचे देखेंगे तो ये पैराग्राफ के नीचे है, और फुट नोट की पोजिशन फुटर में होती है, जैसा कि बताया मैंने। फुटर भी आप बढ़ा सकते हैं, एंड नोट भी बढ़ा सकते हैं, जितने भी वर्ड पे आपको लिखने हैं वहाँ पे आप लगा के लिख सकते हैं। इनकी समरी यहाँ पे बढ़ती जाएगी और इसकी समरी यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आप एंड नोट एंड फुट नोट यूज करके अपने डॉक्यूमेंट्स को और भी स्पेशल बना सकते हैं और भी मीनिंगफुल बना सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा ये। और इसमें जैसा कि आप एंड नोट एंड फुट नोट को अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसा कि मुझे रेड में रखना है, साइज़ इसकी बढ़ानी है अगर आपको इस तरीके से, चलो 14 करता हूँ इसको मैं, और बोल्ड कर देता हूँ। अभी आपने यहाँ पर कर दिया। तो इस तरीके से आप एंड नोट एंड फुट नोट यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये ओनली स्पेशल मीनिंग बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज में किया जाता है। सो ये वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।